नमस्कार, मैं हूँ गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। चलने के लिए तैयार है रावण। गुरुग्राम में रावण दहन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आज हम गुरुग्राम के मेहरोली रोड पर मौजूद है, जहां रावण बनाने को लेकर लोग जोरों से तैयारियां कर रहे हैं। देखिए ये लंबे लंबे रावण जो गुरुग्राम में रावण दहन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सबसे लंबा रावण अभी तक का 40 फीट का रावण बन चुका है। रावण बनने के ऑर्डर आ चुके हैं। छोटे से लेकर बड़े रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि ये रावण यहाँ गुरुग्राम के मेहरोली रोड पर बनाए जा रहे हैं। इन रावणों को लेकर पिछले 2 महीने से ये लोग तैयारियों में जुटे हैं। अब जब दशहरा आने वाला है और इन रावणों की डिमांड अपने जोरों पर है, इस बीच इन रावणों की जो डिमांड है अब ज़्यादा हो गई है। मार्केट में लोग आ रहे हैं, यहाँ रावण खरीद रहे हैं। मार्केट में जगह जगह यहाँ पर रावण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है, कैसे बनते हैं ये रावण, कब टाइम से बना रहे हैं और ये ऑर्डर पर बनाते हैं या वैसे ही? ये ऑर्डर पर बनाते हैं, बिना ऑर्डर के भी रखते हैं। माल क्यों, माल की कमता है, तो माल हम ज़्यादा रखेंगे, कस्टमर आएगा तो हम देंगे माल। गुरुग्राम में कितना अभी तक सबसे बड़ा रावण का ऑर्डर आया है? ये 30 से 35 फुट तक बनता है रावण। और ये इसका प्राइस क्या होता है? ये 25,000 रुपये। और ये क्या नाम है, कोरोना के बाद से अब क्या हालत हो रहे हैं? फर्क है, पहले से पहले तो बहुत हाल से गाँव में काम ज़्यादा बड़ा होता तो ऑर्डर मिल जाता। और इनकी प्राइस क्या है, हम देख रहे हैं क्योंकि छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं, तो इनका प्राइस आप बता सकते हैं कुछ? 40 फुट का जो है 25,000 का, 30 फुट का होगा 15,000, 30 फुट का 12,000। तो अभी तक कुछ बिक रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कमाई हो रही है? अभी नहीं हुई मैडम, ऑर्डर आया था फिर अब वो भी नहीं आ रहा है, पब्लिक ने इतना बना रखा है। पड़ेगी या आपको कमाई होगी? अब ये जो कोरोना में ऐसा था ना, जो दिल्ली बंद थी, दिल्ली में जहाँ बनते थे ना रावण, वहाँ बंद थी, तो दिल्ली के लोग सारे आके यहाँ ले गए थे, तभी बिछ रहे। अब वो दिल्ली खुल गए, इसीलिए वहाँ के बिछ रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बना रहा था, इसीलिए हम भी लोग मौजूद थे हमारे साथ जो यहाँ रावण बनाने का काम कर रहे थे, बहुत सालों से कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे, छोटे से लेकर बड़े लोग रावण बनाने हैं। यहाँ पर 2 महीने से रावण बनाने की तैयारियाँ इन्होंने शुरू कर दी है। कोरोना के वक्त में जब मार्केट बंद था, इन लोगों को कहना है कि तब इनकी बिक्री अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन अब जब मार्केट खुल चुका है, लोग यहाँ आ चुके हैं, तो इनकी बिक्री पर फर्क पड़ा है। मेन जो फर्क पड़ा है, दिल्ली के जो कारीगर है वो यहाँ आते हैं, रावण बनाते हैं, जिस वजह से गुरुग्राम के जितने भी रावण बनाने के कारीगर हैं, बनाने वाले, उन लोगों की कमाई पे यहाँ फर्क पड़ता है। आगे इन खबरों के लिए बने रहिए प्रवासी एक्सप्रेस के साथ।